Subscribe my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ सुपरस्टार रजनीकांत और सुपरस्टार अक्षय कुमार की 2018 में मूवी रिलीज हुई थी रोबोट 2.0। वो अब रिलीज होने वाली है नहीं मैं तो मैं आपको फुल डिटेल इस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। एक तरफ जहाँ पे आज साहो मूवी का टीजर रिलीज हुआ है और सभी जो लोग हैं वो साहो मूवी के अपडेट लेने में बिजी हैं, दूसरी तरफ जो सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की मूवी है रोबोट 2.0 वो चाइना में रिलीज होने वाली है और इस मूवी की जो है फुल डिटेल्स सामने आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि रजनीकांत एंड अक्षय कुमार 2.0 टू रिलीज इन चाइना ऑन 12th July 2019, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय चाइनीज कंपनी बीजिंग HY मीडिया को लिमिटेड। प्रेस कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन मुंबई एंड चाइना। 2.0 विल बी आल्सो स्क्रीन एट शिंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जून। तो अगर आपको नहीं पता कि शिंघाई फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्या है, तो ये काफ़ी बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है जहाँ पे पूरी दुनिया से जो कि बड़ी बड़ी मूवीज़ और अच्छी अच्छी मूवीज़ होती हैं वो सभी इस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाती है। बात की जाए अगर इस मूवी की, तो ये मूवी चाइना में जो रिलीज़ होने वाली है 12 जुलाई 2019 को ऑफिशियली रिलीज़ कर दी जाएगी। और इस मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक चाइनीज़ कंपनी है बीजिंग HY मीडिया। और इस मूवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुंबई में रखी जाएगी और साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो चाइना में रखी जाएगी। 2.0 जो है उसका मैंने आपको बताया कि शिंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इस मूवी को दिखाया जाएगा, जिससे कि इस मूवी को एक काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब पॉजिटिव रिव्यूज़ मूवी के फैलेंगे तो उसी वजह से जब ये मूवी रिलीज़ होगी जुलाई में 12 जुलाई को, तो और भी आपको भीड़ देखने को मिल सकती है चाइनीज़ थिएटर में। अगर आपको पता नहीं है तो इसमें सुपरस्टार रजनीकांत एक रोबोट का किरदार निभा रहे हैं, जहाँ पे बात की जाए सुपरस्टार अक्षय कुमार की तो उन्होंने पंछी राजन का किरदार निभाया है, जो एक आप कह सकते हैं विलन का किरदार भी और एक हीरो का किरदार भी है। ये जब इंडिया में मूवी रिलीज हुई तो इंडिया में सभी लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था, खासकर हिंदी मार्केट में इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली थी और भर भर के इस मूवी को देखा गया था। बात की जाए तेलुगु और तमिल की, तो तेलुगु तमिल में भी इस मूवी को डिसेंट कलेक्शन कर देखने को मिले थे, उतने हाई कलेक्शन तेलुगु और तमिल में देखने को नहीं मिले थे, लेकिन हिंदी मार्केट में ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी चाइना में किस तरह से परफॉर्म करेगी, और देखना यह है कि मूवी के जो स्टोरी लाइन है वो ऑडियंस टच कर पाती है नहीं, क्योंकि अगर ग्राफिक की बात की जाए तो इस मूवी के ग्राफिक जो काफ़ी अच्छे हैं, खासकर फाइटिंग सीन्स में और पंछी राजन के सीन में। जब अक्षय कुमार का इसमें पंछी का किरदार, या आप कह सकते हैं पक्षी का किरदार दिखाई देता है, तो वो उसमें VFX जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त यूज़ किए गए हैं। और अगर बात की जाए मूवी के रिलीज डेट की, तो 12 जुलाई 2019 को रिलीज़ किया जाएगा। अगर चाइना में और कोई बड़ी मूवी साथ में नहीं रिलीज़ हो रही होगी तो इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपको पता ही है कि हॉलीवुड की मूवीज़ जो रहती हैं काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़, मार्वल की मूवीज़ और चाइना की कुछ मूवीज़ होती हैं जो काफ़ी बड़े बजट की मूवीज़ होती हैं, जो काफ़ी लोकप्रिय होती है चाइना मार्केट में, अगर उन मूवी के साथ ये मूवी रिलीज़ हुई तो इस मूवी को ज़रूर आपको थोड़ा लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस मूवी को सिंगल रिलीज़ किया जाता है कि कोई बड़ी मूवी साथ में नहीं रिलीज़ होती, और आपको पता है कि चाइना में जो टाइम मिलता है वो शायद एक महीने तक का टाइम मिलता है मूवी को कलेक्शन करने के लिए, तो एक महीने तक अगर इस मूवी के साथ कोई बड़ी मूवी की टक्कर नहीं होती तो मूवी ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रह सकती है। इंडिया मूवी ने अराउंड 700 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात थी। तो हमें देखना होगा 12 जुलाई को कि मूवी किस तरह से चाइना बॉक्स ऑफिस में परफॉर्म करती है। अगर आपको कुछ कहना है इस मूवी के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।